नहालगांव नाहल में लिटिल फ्लावर स्कूल में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य इस्तकार ने बताया, इस दिन को मनाने का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों, समाजों के लिए, ज्यादा साक्षर समाजों के लिए लगातार प्रयास करना। विश्व साक्षरता दिवस के लिए इस वर्ष की थीम ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल डिवाइड को कम करना है। आधुनिक काल में लड़कियों को गर्भ में मार डालने की कुप्रथा चल पड़ी है, जिससे स्त्री पुरुष अनुपात का संतुलन बिगड़ गया। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रही है। इसके बाद रैली शुरू हुई। इस दौरान हर गली मोहल्लों में जाकर नाहल गांव में हर्षोल्लास के साथ रैली निकाली। प्रधानाचार्य ने बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इस अभियान का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया है। विश्व के प्रत्येक देशों में महिलाओं की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, लिंग अनुपात में परस्पर भिन्नता देखने को मिलती है। भारत महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक देश की, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम प्राथमिकता दी जाती है। इस रैली में शामिल मौलाना साकिब दिलदार, सलमान, वेहान इस्तकार, अनस, यूसुफ, सादिक, फौजिया, नाजिया, रशीदा, शहजादी आदि अध्यापक अध्यापिकाओं ने रैली को सफल बनाने में सहयोग किया। गाजियाबाद से संवाददाता हसरत पवार की रिपोर्ट। मेरा नाम फातिमा है, मैंने दिलकलावर स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बढ़ती जनसंख्या के बावजूद भी लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे भविष्य, आने वाले भविष्य में हमें आगे तक पढ़ना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में हम पढ़ सके, क्योंकि आजकल जो कॉलेजों में एडमिशन होता है उसके लिए भी पेरेंट्स को पढ़े लिखे ही मांगे जाते हैं कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं। अब बिना पढ़े लिखे एडमिशन भी नहीं हो रहा है, इसलिए लड़कियों को पढ़ना चाहिए। बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों समानता रखनी चाहिए। ये आज के टाइम में माँ बाप कुछ बहुत से घरों में है कि बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं, तो इसलिए बेटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। महिलाओं को उत्पीड़न करने के लिए